सिरमौर जनपद सीईओ के ऊपर हुए प्राणघात हमले को लेकर रीवा जिले के नई गढ़ी जनपद पंचायत के सभी कर्मचारी धरने पर बैठे। 16 अगस्त की घटना को लेकर रीवा जिले के सिरमौर जनपद सीईओ एसके मिश्रा पर प्राणघात हमला हुआ था। हमले के विरोध में सभी नई गढ़ी में पदस्थ कर्मचारी आज धरने पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक जनपद नई गढ़ी का कोई कार्य नहीं होगा और कार्यालय में ताला लगा रहेगा। जनपद क्षेत्र नई गढ़ी के कर्मचारियों ने रीवा कलेक्टर से मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घटित हो। वहीं नई गढ़ी अंचल के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उमा शंकर त्रिपाठी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी कृषक प्रकोष्ठ रीवा ने सिरमौर जनपद सीईओ के ऊपर प्राणघात हमले को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा के शासन काल में जंगल राज कायम है। वहीं कांग्रेसी नेता उमा शंकर त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांग करते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों के ऊपर तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। जुल्म की टक्कर में घर हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में घर हमारा नारा है, अभी तो अंगड़ाई है आगे अंगड़ाई है। देखिए समस्त मीडिया जगत में विगत जो कल देखा होगा आप सभी ने कि जनपद मुख्यालय हमारे सिरमौर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय ग्राम सभा की बैठक में पूर्वा गए हुए थे। वहां कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ माने निर्दयता पूर्वक मारपीट की और एक तरह से उनको माने ऐसी अवस्था में छोड़ दिया जहां की हर व्यक्ति बहुत पीड़ा में होता है। उसी का हम लोग विरोध जताने के लिए हम लोग जनपद मुख्यालय नई गढ़ी में बैठे हुए हैं और हमारी लोगों की मांग है कि जो उस घटना में संलिप्त है उन लोगों के खिलाफ FIR हो और उनको तत्काल कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये कब तक ताला बंद रहेगा श्रीमान जी? जब तक हमारी वैधानिक जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं करते अगर तब तक हम लोग अनवरत ऐसे ही हम लोग बैठे हैं। दादर भाई ये जो जनपद सीओ सिरमौर के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है और ये लगातार विधायक भाजपा विधायक के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इस संबंध में क्या कहें? देखिए आपके नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वीडियो जो वायरल है वॉइस रिकॉर्डिंग कि माननीय विधायक सिमरिया KP त्रिपाठी जी लगातार सीओ को धमका रहे हैं, देख लेने की धमकी दे रहे हैं। अब उसको आपत्तिजनक भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए धमकी दिए। अब देखते ही देखते उसके कुछ ही घंटों बाद जिस तरह से आज पेपरों में और हर जगह देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष समेत कई लोगों ने जानलेवा हमला किया, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। अब हमको लगता है कि जंगल राज की तरफ हमारा रीवा जिला भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जा रहा है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आम जनता की तरफ से ऐसे कृत्यों का निंदा करता हूं और भविष्य में अधिकारियों के ऊपर इस तरह से दबाव न बनाया जाए कि बिना कार्य के ही भुगतान किए जाएं, इस पर भी सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को स्वयं संज्ञान में लेकर संबंधित विधायक को पार्टी से निष्कासित कर अब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।